तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप कुमार शेपर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज की वीडियो हो रही है हमारी सुबह सुबह के समय दोस्तों शुरू पवाली में। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप, मोदी भाई हैं और सोनू भाई हैं। तो दोस्तों अभी हमारा यहां पे जो कि दाल बन रहा है, दाल हमने तड़का मार दिया क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से जस्ट वीडियो अपलोड करने भी जाऊँगा। मैंने उधर उस वाले उनके डेरे में भी जाना है। अभी हम पहले दे रहे हैं, सबसे पहले देंगे भेड़ को नमक, बकरियाँ करेंगे अलग। बकरियों के साथ जा रहे हैं आज मोदी भाई और सोनू भाई जा रहे हैं भेड़ के साथ। तो अभी निकलेंगे हम यहाँ से और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी पीछे जो कि भेड़ बकरी अभी बैठी हुई है। तो अभी जस्ट अलग करते हैं, अभी बहुत टाइम है, छुपा के ले चलो उसको। तो सोनू भाई ले जा रहे हैं ऊपर नमक और अभी जा रहे हैं हम ऊपर जस्ट धार में देंगे नमक। तो फिर मिलते हैं आपको धारी में, मिलते सीधे डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे घोड़े भी आ चुके हैं, भेड़ी को हमने जस्ट डाल दिया है नमक और यहाँ पे भेड़ी जो कि खा ही रही है, भेड़ी कुछ ने खा के उस तरफ चले गए और लास्ट तक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पाली की तपड़ी है, ये तो जस्ट थोड़ा सा दिखाई दे रही, इसके दुगने पे बगल बाजू अगल बगल है उस तरफ को है। दोस्तों इसने मेरा पैजामा फाड़ दिया, ला 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 ओका दो। दोस्तों अपना गुल्लू मुल्लू भी आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ सामने माटिया जो कि ये सामने की ये जो टिपड़ी है, ये टॉप है। तो इस टॉप में आता है टावर और अभी मौसम भी देख सकते हैं आप कि कोहरा पड़ चुका है इस साइड को, हल्का खुला हुआ है मौसम ऊपर। तो भरोसा कुछ नहीं है मौसम का, अगर ख़राब रहेगा तो ख़राब भी रह सकता है, अगर वो होगा ठीक होगा बढ़िया होगा तो बढ़िया भी हो सकता है, आसमान की कोई गारंटी नहीं है। ये आ गई हमारी घोड़ी। हाय क्या, हाँ तो पेला आने को बोला था मैं तुम्हारे को। तो दोस्तों ये भेड़ियों के साथ खेल रही है यहाँ पे, हम गुलमुलू मैं गुलमुलू ओह ओ ले ले ले। दोस्तों लात मारने को इतना भयंकर घूम रहा है ना ये आजकल, अपनी लाल बछेरी है। ये अपना घरपालू डांगलू है, ये घरपालू डांगलू अगुली बुली गुली मुली गुली मुली एन बोले हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ से जस्ट रामो को भी लेके जाना अपने साथ और यहाँ पे बकरियाँ चलेगी हमारे जंगल नीचे और मोदी भाई ने यहाँ पे सामान सामान ढक दिए है और यहाँ पे हमारा दही है जमने को रखा हुआ। तो मैं पहले सबसे पहले जंगल निकालता हूँ। और दोस्तों आजकल मैं कल जो परसों में बढ़ रहा था ये छोड़ दी मैंने, इतनी सिल भी दिया था। तो ये है वो रस्सी, ये अपने हाथ की मेरी कला है, सब बनाते हैं बकरी वाले। तो ये बालों की है, एक तंग बनाना है तो बन गया, मतलब ये पूरा हो गया, दो अंदर है मेरे रखे हुए। तो दोस्तों इसे संगल निकालते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप माटिया की जो पौली की नुक्कड़ है वो इस तरफ है और यहाँ से देख सकते हैं आप किनारे दिखता ही नहीं, इससे किनारे इतना ही इसके धार पीछे है, इतना लंबी तप्पड़ है ये पूरा। दोस्तों अगर उस किनारे से इस किनारे जाने को पूरा 1.5 घंटा लगता है, मैंने नाप के आ रखा हूँ एक बार।
दोस्तों रॉ मोबिल आ गया मैं तो, अभी पहले मैं जा रहा हूँ जस्ट पहले सीधे निकलूँगा उनके डेरे में, फिर लौट के आऊँगा, फिर जाऊँगा गुजरू के इधर, थोड़ा यहाँ पे भी काम है मेरा। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से आ चुका हूँ वापस, मैंने लगाई थी वीडियो अपलोड करने को और लेकिन मैंने फिर कुत्ते का बच्चा भी छोड़ दिया, तो मैंने वहाँ गया था उनके डेरे में, तो हमने सलाह की मतलब अभी हमारा वो बना प्रोग्राम कि अभी जस्ट जा रहे हैं शाम को, मतलब रात को रुकेंगे नीचे ही उन्हीं के घर पे, तो घोड़े लेके जा रहे हैं अभी नीचे, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर एक घोड़े लेने, तो घोड़े ले आऊँगा नीचे, फिर राशन के लिए जाऊँगा अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ पंवाली के जस्ट बगल में आ गया मैं डेरे से हो रहे हूँ, जैसे डेरे में पहुँचूँगा आप लोगों को डेरे में मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं जा भी रहा हूँ लेकिन शायद क्या पता आपको बीच का ब्लॉक ना ही भी मिले इसके बाद का, क्योंकि मेरा मोबाइल जो कि चार्ज ख़त्म हो चुका है, तभी गुत्तू जाऊंगा तो तभी चार्ज होगा। और चलते हैं अभी, वैसे तो मैंने कर रखा था चार्ज लेकिन होगा वो शायद बचा हुआ। तो दोस्तों अभी दिन का समय है और मैं घोड़ी लेके आ चुका हूँ डेरे से, डेरे के जस्ट नीचे पे हूँ, अभी घोड़ी आ चुकी है, इस वाली घोड़ी को लेके जा रहा हूँ नीचे और चलते हैं अभी नीचे। सबसे पहले जाएंगे भूपेंद्र भाई के डेरे में, तो फिर वहाँ से निकलेंगे नीचे, तो मिलते हैं सीधे उन्हीं के डेरे में, क्योंकि 2 बजने को अभी होने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, तो 2 बजे से पहले बोल रखा था उनका आने को कि 2 बजे से पहले आ जाना, ये भी स्लो चल रही है एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम बिजोले में आ चुके हैं जिसकी ऊंचाई 3258 मीटर है और यहाँ पर सबसे बड़ा इतना भयंकर कुत्ता हमने कभी नहीं देखा। अबे गुल गुल आह ओह दोस्तों, इससे बड़ा जब हमारे कुत्ते के बच्चे पैदा ही हुए थे उससे बड़े थे, बहुत छोटा ये वीडियो में थोड़ा बड़ा भी दिख रहा हो। तो माटे में ऊपर कोहरा पड़ चुका है। तो दोस्तों अभी हम सीधे आ चुके हैं आगे और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं आप, ये घोड़े पकड़े नहीं, ये तो इनको खा ऐसी लगा दिया हमने खुला, और यहाँ पे इसी में हमारे सारे 2-1 काठी हो रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं अपने भाई राजू भाई, जो कि इस बार मिलते रहेंगे ब्लॉग में आपको, इनका पाँव हो रखा लंगड़ा, इनको ले जा रहे हैं हम आज ट्रीटमेंट कराने को। तो दोस्तों ये यहाँ पे ट्रॉली का है, पोबागी से जस्ट नीचे है, 0.5 किलोमीटर नीचे होगा। तो यहाँ पे ये घोड़े आ गए हैं, भयंकर भाग रहे हैं घोड़े और अभी ऊपर ही आ रहा है, ये काठी बिना काठी प्लान के ये भाग रहे हैं बहुत ही भयंकर तरीके से।